बारबेक्यू नेशन तो जा नहीं सकते हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन बारबेक्यू नेशन जैसा क्रिस्पी कॉर्न घर पे बिल्कुल बना सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभम और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल द बर्गर हिमसेल्फ में। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बारबेक्यू नेशन जैसा क्रिस्पी कॉर्न, वो भी घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टास्क है स्वीट कॉर्न्स बॉईल करना। मैं फ्रोजन कॉर्न यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए लगभग 125 ग्राम लिया है और एक बॉईल में काम हो जाएगा। आप अगर फ्रेश कॉर्न्स यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 100 ग्राम लीजिए और अच्छी तरीके से बॉईल कर लीजिए। तो जब तक ये बॉईल होते हैं, आइए इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हमने लिया एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक कटोरी कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, 6 से 7 कली लहसुन बारीक कटी हुई, 2 छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, लगभग 1.5 छोटी चम्मच। तो स्वीट कॉर्न्स बॉईल हो चुके हैं। अब हमें इसे स्ट्रेन करना है कुछ इस तरीके से, मतलब कि छानना है। दोस्तों, इसे छान के अलग रख दीजिए 5 से 10 मिनट ठंडा होने के लिए, गर्मा गर्म यूज़ नहीं करना है। ठंडा होने के बाद एक सेपरेट बाउल में इसे ले लेना है और इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था वो मिला देना है। आधी से एक कटोरी आप कितना भी मिला सकते हैं, क्योंकि कॉर्न्स को कवर करने के बाद उसे छानना ही है तो कॉर्नफ्लोर अपने आप बाहर आ जाएगा। आधी छोटी चम्मच हमने नमक मिला दिया है, मैं थोड़ी सी हल्दी ले रहा हूँ कलर के लिए और 1 छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से कुछ इस तरीके से मिला लेना है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद दोस्तों इसे छान लेना है फिर से, ताकि जो भी एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है वो निकल जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पूरे तेल में कॉर्नफ्लोर फैल जाएगा और तेल काला हो जाएगा। तो इसे छानने के बाद दोस्तों कढ़ाई गर्म करके तेल उसमें डाल देना है। तो तेल गर्म हो चुका है, आइए हम इसमें कॉर्न्स डाल देते हैं जो हमने कॉर्नफ्लोर से कवर किया था। तेल में डालने के बाद दोस्तों इसे सेपरेट कर लीजिए, या फिर आप एक साथ नहीं डाल के धीरे धीरे भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये एक साथ चिपक जाएंगे। दोस्तों धीमी आंच में तलिएगा इसे और क्रिस्प होने तक तलना है। 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, नहीं तो कॉर्न क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे और ये पूरी रेसिपी बनाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो 5 से 7 मिनट में कॉर्न क्रिस्पी हो गए हैं, आइए हम इसे छान लेते हैं। फिर से वही स्ट्रेनर से इसे छान लेना है। तो दोस्तों पूरी तरीके से आप इसे छान लीजिए, तेल पूरा निकाल लीजिए, उसके बाद फिर से हमें कढ़ाई गरम करना है। आप क्लोज़अप देखिए जब तक मैं कढ़ाई गरम कर लेता हूँ। तो कढ़ाई गरम करने के बाद दोस्तों हमें ऑलिव ऑयल डाल देना है थोड़ा सा। आप कोई सा भी दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन बारीक कटा हुआ जो हमने लिया था। थोड़ा सा लहसुन का फ्रेग्रेंस आना स्टार्ट हो जाए इसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो जब तक प्याज ट्रांसलूसेंट हो रहा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऑलरेडी कर दिया है तो वीडियो को लाइक ही कर दो यार। तो इसी बीच हमने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी है, साथ ही साथ डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। दोस्तों ध्यान रहे सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, ताकि सब्जियां क्रंची रहे और उनका सेपरेट फ्लेवर आए। अब हमने स्वाद अनुसार नमक डाल देना है सब्जियां थोड़ी पकने के बाद, और साथ ही साथ 1 चम्मच चिली फ्लेक्स जो हमने लिया था वो डाल देंगे। आपको स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स स्किप करके रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, मैंने दोनों डाला है। 1.5 छोटी चम्मच जो हमने चाट मसाला लिया था वो डाल दीजिए। अब हम इसमें सॉस डालेंगे, तो मैं ये टमाटो केचप नहीं डाल रहा हूँ, ये स्वीट रेड चिली सॉस मैंने यूज़ किया है ताकि फ्लेवर्स बैलेंस रहे। अब 1/2 छोटी चम्मच लगभग 3 मिलीलीटर मैंने इसमें सोया सॉस डाला है और 1/2 छोटी चम्मच मैंने विनेगर डाला है। तो सभी सॉसेज और मसाले डालने के बाद दोस्तों हमें इसे अच्छे से मिला देना है, ताकि पूरे फ्लेवर सब्जी में भी आ जाए। इसे अच्छे से मिला लेना है दोस्तों कुछ इस तरीके से। तो अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसमें क्रिस्पी कॉर्न्स डालना है जो हमने कॉर्नफ्लोर से कवर करके फ्राई किया था, तो चलिए अब वो डाल देते हैं। तो क्रिस्पी कॉर्न डालने के बाद दोस्तों इसे अच्छी तरीके से हल्के हाथों से मिला लीजिए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मिलाइएगा नहीं तो कॉर्न थोड़े नरम हो जाएंगे, रीज़न भी उसमें जो कॉर्नफ्लोर कवर किया हुआ है वो सेपरेट होने लगेगा।
तो कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से मिला लीजिए। उसके बाद आप इसकी प्लेटिंग कर दीजिएगा। ऐसे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्लेटिंग करने से पहले मैं आपको पास से दिखाता हूँ कॉर्न्स कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। टेक्सचर देखिए बहुत ही बढ़िया है। तो अब मैंने प्लेटिंग कर ली है दोस्तों। प्लेटिंग करने के बाद इसमें डाल देना है हरा धनिया थोड़ा सा, और इसके बाद थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर देना है। आप चाहे तो चाट मसाला भी मिला सकते हैं या ऊपर से टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। मैं आपको एक चम्मच टेस्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों कितने क्रिस्पी बने हैं, बिल्कुल आवाज़ से आप समझिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करिए, ताकि मैं और बेटर कर सकूँ। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं ढाबे वाली सेव टमाटर के।